अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हिरा एंड यू गाइस आर वाचिंग ब्यूटीफाई बाय हिरा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज, और ये है पार्ट वन। और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ पार्ट टू भी शेयर करूंगी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ फोर डिफरेंट ड्रेसेस के डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है। सब डिजाइन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और अगर आपको इन डिजाइन में से कोई सी भी डिजाइन पसंद आती है या फिर आप उसको जो है रिक्रिएट करते हो तो आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हो। आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, और आप मुझे स्टोरी पर भी मेंशन कर सकते हो जो डिजाइन आपने मुझसे इंस्पायर्ड होकर बनाई हो, तो मैं आपकी डिजाइन को जो है वो अप्रिशिएट करूंगी और मैं आपको जो है स्टोरी पर मेंशन कर दूंगी। सो ओवरऑल मैं आज आपके साथ फोर डिफरेंट डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल होंगी, ये टीनेजर्स वो बनवा सकते हैं, हर कोई इनको बनवा सकता है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्लस विंटर्स के लिए परफेक्ट होने वाली है। और ये सारे ड्रेसेस काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है, तो अगर आपने इनको बाय करना है तो इन सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस तरह की वीडियो मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं की है, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है हमारी ड्रेस डिजाइन नंबर वन, कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने परचेज किया था अल्फादा से, ये इनकी समर कलेक्शन में से था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, लाइक मैंने एक जो है वो इस तरह से लाइंस बनवाई है कपड़े को ही कट करके, और उसके साथ जो है वो कुछ इस तरह से राउंड एम्ब्रॉयडरी करके लगवाया है। लाइक आप छोटा सा राउंड पीस लेकर उसको जो है वो इस तरह से लगाकर उसकी साइड से जो है आपने सिलाई कर देनी है विद द हेल्प ऑफ नीडल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डिजाइन लग रही है, और ये पहना हुआ काफी ज्यादा प्यारा लगता है। प्लस जितने भी नेक्स है वो मैंने सारे राउंड रखवाए हैं, और उसके साथ मैंने जो है वो कुछ इस तरह से लेस अटैच करवा दी है। लेस जो है वो मैंने थोड़ी सी फैंसी रखवाई है। सो ओवरऑल गला इसका कुछ इस तरह से दिखता है। सो अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। बाकी इसकी स्लीव पर मैंने जस्ट इस तरह से जो है वो लेस लगवाई है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ड्रेसेस में मैंने ज्यादा डिजाइन एड नहीं करवाए, मैंने इनको मिनिमल रखा है। लाइक इतनी डिजाइन तो चलती है, उससे ज्यादा मैंने डिजाइन जो है वो नहीं रखवाई। सो ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है। इसके दामन पर भी सेम लेस है कुछ इस तरह से, और आई थिंक इसमें कलियां डली हुई हैं। और ये पहना हुआ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लगता है। इसके साइड पर जो है वो कली है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है, पहना हुआ काफी ज्यादा प्यारा लगता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जिनको सिलने आता होगा उनको आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो उसका फ्लेयर काफी अच्छा है, और दोनों साइड से यहाँ पर भी आप कली देख सकते हो। हैंग करने की वजह से इसकी डिजाइन जो है वो एक्चुअल डिजाइन नहीं लग रही जैसी एक्चुअल में है ये। और अगली बार जब भी मैं ड्रेस डिजाइनिंग वीडियोस करूंगी तो इनको जो है वो किसी सरफेस के ऊपर रखकर फिर ही मैं आपको जो है इनकी डिजाइन दिखा दूंगी। तो ये है इसका ट्राउजर। ट्राउजर जो है वो मैंने फ्लेपर रखवाया है, और उस पर भी कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई है। लाइक इसमें जो है लाइन्स इस तरह से बनवाई है, और इनके बीच में जो है ये सेम डॉट लगवाया है कपड़े को कट करके, और उसके साइड पर जो है वो आपने सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से। ये भी पहना हुआ काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आप टीनेजर हो तो आप डायरेक्टली इसके साथ जीन्स या टाइट्स वगैरह कुछ भी पहन सकते हो। अगर आपने जो है वो ट्राउजर बनाना है तो आप कुछ इस तरह का ट्राउजर भी बना सकते हो। तो ये है हमारी ड्रेस डिजाइन नंबर टू, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल है। मैंने इसको ज्यादा फैंसी नहीं करवाया है, मैंने जस्ट इसके गले को जो है वो कुछ इस तरह से राउंड बनवाया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्राउजर का कपड़ा मैंने लगाया है, और उसके साथ मैंने ये वाली लेस जो है वो लगवाई है। ये नेट की लेस है, कुछ इस तरह से दिखती है। इसके दोनों साइड को जो है फोल्ड करके मैंने इसको लगवाया है, और ये पहना हुआ भी काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगता है। ये ड्रेस मैंने ईडन रॉब से परचेज किया था, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस वीडियो में मैंने इसको जो है अनबॉक्स किया था। ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ इस तरह से इसमें चुनर्स बनवाए हैं, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे से इसमें चुनर्स हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी स्लीव्स भी मैंने काफी ज्यादा सिंपल सी रखवाई है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा बॉर्डर जो है यहाँ पर अटैच करवाया है, उसके साथ लेस लगवाई है, और उसके साथ ट्राउजर का ये वाला जो है वो पीस लगवाया है। इस ड्रेस में कुछ ज्यादा डिजाइन नहीं थी, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये पहना हुआ काफी ज्यादा प्यारा सा लगता है। तो इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके दामन पर भी मैंने ये कुछ इस तरह से लगवाया है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लेस नहीं लगवाई क्योंकि लेस है जो है वो थोड़ा सा फैंसी सा हो जाता, सो उसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा रखा है। इसका फ्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर आप इसका फ्लेयर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लगता है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको हैंग करके नहीं दिखाऊंगी, मैं इनको जो है किसी सरफेस के ऊपर रख के फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो उसके साथ मैंने ट्राउजर कुछ इस तरह से बनवाया है, आप चाहो तो जीन्स या टाइट्स वगैरह के साथ भी बनवा सकते हो। तो ट्राउजर जो है वो ओवरऑल
कलर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर भी मैंने बॉर्डर लगवाया है, इसके नीचे भी मैंने बॉर्डर लगवाया है। इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो है वो कुछ इस तरह से लाइंस अटैच करवाई हैं और ये बहुत ही प्यारा सा लगता है पहना हुआ। ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं की, इसलिए मुझे ज्यादा समझाने नहीं आ रहा। तो आप ओवरऑल देख लो, कुछ इस तरह से बनवाना है आपने, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो ये है हमारी थर्ड डिज़ाइन। इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं है बट बहुत ही थोड़ी सी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो ये मैंने बाय किया था ईडन रोप से, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसका गला जो है वो मैंने बिल्कुल राउंड रखवाया है, इस पर मैंने कोई सी भी जो है वो लेसेस अटैच नहीं करवाई क्योंकि ये कुर्ती है, थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती हो गई है बट इस तरह से जो है वो आपने बनवा लेनी है। तो यहाँ पर जो है इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर मैंने इसको जो है वो बॉर्डर अटैच करवाया है। बॉर्डर अटैच करवाने के साथ मैंने इसमें जो है वो कंप्यूटर लेस भी ऐड करवा दी है कुछ इस तरह की। इसका कलर जो है वो मैंने सेम ही रखा है, मैंने इसको जो है वो ब्लैक वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे इस कुर्ती को जो है वो मिनिमल रखना था। सो यहाँ पर आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो, कुछ इस तरह की है, काफी बेसिक सी है बट ये पहना हुआ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लूज है। इस शर्ट का जो दामन है वो बिल्कुल स्क्वायर है, उसके साथ जो है वो मैंने कुछ इस तरह की कंप्यूटर लेस लगवाई है और उसके इनसाइड जो है मैंने कुछ इस तरह से दामन पट्टी लगवाई है और ये मैंने जो है वो ट्राउजर से ही बनवाई है। और ऐसी जो है वो मार्केट में भी मिलती है बट वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल खराब सी हो जाती है। तो अगर दामन पट्टी ऐड करवानी है तो आप जो है वो ट्राउजर के कपड़े के साथ ही आप लगवा सकते हो, उससे आपकी कुर्ती जो है वो काफी अच्छे से लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी हैवी सी हो जाती है जो कि पहनी हुई काफी ज्यादा प्यारी लगती है। इसके साइड पर जो है वो मैंने कंप्यूटर लेस लगवा दी है। तो बात करते हैं इसके ट्राउजर की, तो इसका ट्राउजर मैंने कुछ इस तरह से रखवाया है, लाइक ये फ्लैपर है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर जो है तीन बॉर्डर्स मैंने लगवाए हैं, दो लाइंस वाले बॉर्डर लगवाए हैं कपड़े से ही कट करके और उसके बीच में जो है ये भी एक बॉर्डर लगवाया है, प्लस इसमें मैंने लाइंस अटैच करवाई है क्योंकि आजकल जो है वो सारे फैशन ही चल रहे हैं, आप कोई सा भी फैशन कर सकते हो। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखता है ओवरऑल, मुझे ये भी काफी पसंद आया। सो ट्राउजर आप कुछ इस तरह का बनवा सकते हो। सो चलते हैं अपने फोर्थ और लास्ट ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ। सो ये मैंने बाय किया था फ्रॉम अलफतह, इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। सो इसका गला जो है वो मैंने बिल्कुल राउंड रखवाया है क्योंकि मुझे राउंड गले ही पसंद है। इस ड्रेस का जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्यारा है बट यहाँ पर वैसा नहीं आ रहा। सो यहाँ पर जो है इसकी पैडी पर मैंने कुछ इस तरह से लगवाया है, लाइक ये चिप्स बुकरम से बनाकर ट्राउजर के कपड़े से ही। आई होप आप समझ रहे होंगे, मुझे इतना ज्यादा समझाने नहीं आ रहा बट आप कुछ इस तरह से बनवा सकते हो। सेम मैंने स्लीव्स पर भी कुछ इस तरह से लगवाए हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, प्लस ऐसे जो है वो राउंड वाले भी चलते हैं बट इस ड्रेस पर जो है वो मैंने जिगजैग में बनवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दामन पर भी मैंने सेम ही बनवाए हैं। सो यहाँ पर जो है इसका फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा है, ये कुछ ओवरऑल इस तरह से दिखता है। इसका दामन भी सेम है इस तरह से ही, दामन पर लाइक मैंने आगे भी लगवाए हैं और पीछे बैक साइड पर भी मैंने लगवाए हैं। ये वाली जो डिजाइन है ये आई थिंक टीनेजर्स को मस्ट बनवानी चाहिए। यहाँ पर आप इसका फ्लेयर देख सकते हो, काफी अच्छा फ्लेयर है, प्लस अलफतह की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपने बाय करने हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा इनका मटेरियल है कपड़ों का। तो ये ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है। इसके साथ भी मैंने ट्राउजर जो है वो बनवाया है, ट्राउजर पर मैंने ये जो है कपड़े का पीस लेकर उसमें से बनवाया है और फ्रॉक पर मैंने जो है वो ट्राउजर वाला बनवाया है। तो आप जो है वो कुछ इस तरह से बना सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है। या आप इस फ्रॉक को जो है वो जीन्स टाइट्स वगैरह के साथ भी पहन सकते हो। बाकी मैंने कुछ इस तरह से बनवाया है, इसके बैक से कुछ इस तरह से दिखता है, ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, प्लस आजकल इस तरह की डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। सो ये ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है और अगर आप इनमें से कोई सी भी डिजाइन जो है वो बनाते हो तो मेक श्योर आपने मेरे साथ जरूर शेयर करनी है, उससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। अगर आप नहीं भी बनवाते तब भी आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से आपको कौन सी डिजाइन जो है वो अच्छी लगी है और आप जो है वो बनाना चाहते हो। आपने मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है कि मुझे इस तरह की वीडियो जो है वो पोस्ट करनी चाहिए या नहीं। सो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करूं या पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स सेक्शन और यू गाइस कैन डीएम मी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो एंड टिकटॉक। लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक एंड अल्लाह हाफिज़।